नाइस वन, रब कर दूं, जल्दी से करो। सारा बताऊंगा एक बार। मेरे दोस्तों, इनपुट आउटपुट मॉडल के अंदर हमने चर्चा की, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन और फाइनल कंजम्पशन को जोड़ें। हम कोई भी चीज बनाएंगे दो चीजों के लिए यूज होता है, इंटरमीडिएट के लिए और फाइनल के, दोनों को जोड़ें तो ग्रॉस कंजम्पशन आएगी। अगर फाइनल कंजम्पशन में कोई दो यूनिट बढ़ जाए तो ग्रॉस कंजम्पशन में दो नहीं बढ़ेंगी, इतने यूनिट बनाने के लिए इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन ही बढ़ेगी। तो कितना बढ़ेगा ये पता होना चाहिए हर इंडस्ट्रीज को। तो इसके लिए हमने ये पढ़ा, हमें क्वेश्चन के दे दिया वन और टू के अंदर। वन जो भी बनाता है उसका 16 यूनिट खुद यूज करता है, 20 यूनिट दूसरे को देता है, फाइनल कंजम्पशन के लिए 4 यूनिट जानते हैं, इन सबको जोड़ लिया तो बनाता कितना टोटल 40 बनाएगा, तो 4 बाजार में जाएंगे। सेकेंड कितने कैसे बनाएगा, 8 बनाएगा दूसरे के लिए, खुद के लिए 40, बाजार में जाएंगे 32, टोटल इसे कितने बनाएंगे बढ़ेंगे 80। आर यू गॉट इट? अब मुझे कहता है ये जो फाइनल डिमांड है 4 और 32, ये बदलकर कितनी हो गई? अब ये चेंज हो जाए तो कंजम्पशन, इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन ये है, ये फाइनल कंजम्पशन है, ये भी बढ़ जाएगी। अब ये क्या होगी ये नहीं पता, अब इसको निकालना है मुझे मेरे दोस्तों, और फाइनल आउटपुट को निकालना है। सो ये चेंज हो गई तो सबसे पहला स्टेप हम कौन सा मैट्रिक्स बनाएंगे, इनपुट आउटपुट में सबसे ऊपर क्या लिखना है, इनपुट अपॉन में क्या लिखना है, आउटपुट। मेरे दोस्तों फर्स्ट इंडस्ट्री का इनपुट देखना यही है ना, और फर्स्ट इंडस्ट्री का आउटपुट कितना है, तो 16/40 और 8/40 इनपुट आउटपुट हो गया। फर्स्ट इंडस्ट्री का इनपुट अपॉन आउटपुट 16/8, ठीक है ना। इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन देखनी है खाली, सेकेंड इंडस्ट्री का इनपुट बताओ 20/40 और आउटपुट बताओ, तो हाँ बिल्कुल इनपुट इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन वही होती है। तो मेरे दोस्तों मैंने यही किया, 16/8 की 40 से डिवाइड की, 20 और 40 की 80 से डिवाइड कर ली, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स। मेरा इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन को प्रेजेंट करता है, कौन सी कंजम्पशन को, मेरे दोस्तों काट पीट के मैंने लिख लिया। इतना करने के बाद मैं बेस स्टेप पे आया, मैंने अभी बताया था इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन प्लस फाइनेंशियल कंजम्पशन इक्वल टू ग्रॉस कंजम्पशन, ये ग्रॉस आउटपुट। अब मेरे को फाइनल डिमांड मेरा चेंज हो गया, मैं उसे क्या नाम दिया, डी, कैपिटल डी, फिक्स है, कांस्टेंट होगा, कभी वेरिएबल नहीं होगा। मुझे ग्रॉस आउटपुट निकालना है, ग्रॉस कंजम्पशन निकालना है, मैंने क्या लेट कर लिया मेरे दोस्तों, जितना भी ग्रॉस आउटपुट बनाना होगा उसका ए इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स बोले तो इतना इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन में लगेगा। सो ए एक्स ये लगेगा इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन में। अब मुझे सॉल्व करके एक्स निकालना होगा, मैं इसको उधर ले गया, एक्स कॉमन ले गया, ये आ गया मेरे दोस्तों, इसको इधर लिख लिया, एक्स की वैल्यू निकालनी है, नीचे ले जाके ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बन गया आउटपुट का, आई माइनस ए का, यहां तक आ गया। इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन कितनी होगी, जितना भी माल बनाएंगे उसकी ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो आउटपुट की इनपुट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आउटपुट से आउटपुट कट जाएगा, इनपुट आ जाएगा, तो वो आ जाएगा इनपुट कितना लगेगा, आ गया। अब मैंने इसको उधर ले गया, कॉमन ले लिया, ये फॉर्मूला बन गया, व्हाट इज माय ग्रॉस आउटपुट का फॉर्मूला बताओ क्या बन गया, आई माइनस ए का होल इनवर्स इंटू डी। अब इनवर्स हम बारी में कैसे निकालते थे वो बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मेरे को इसका इनवर्स निकालना है तो मैंने फॉर्मूला बना रहा था, क्या बनेगा, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए। अब डिटरमिनेंट निकाल लूं, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें भैया, 3/5 इंटू 1/2, 3/10 माइनस 1/20, एलसीएम कितना आया भैया 20, 6 माइनस 1 बोले तो 5/20 बोले तो 1/4 आ रहा है सबको मेरे दोस्तों। फिर इनवर्स निकालना हो, मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैं आई माइनस ए के इनवर्स का ये फॉर्मूले की वैल्यू रिवर्स चल के ऊपर पुट कर दूं, 1/ कितना आया भैया, नहीं मैं शायद गलत लिखा, 1/1/4 ना आया। हाँ अब क्या लिखना है इसका, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकलते हैं और ट्रांसपोज करते हैं, पर मैं सीधा कर रहा हूं, 2/2 का एडजॉइंट शायद 12वीं में भी बड़े आसान तरीके से करते थे। डायगनल एलिमेंट कौन से होते हैं कोई बताओ, डायगनल एलिमेंट बदल दो, क्या कर दो, बदल दो, ध्यान से सुनियो भाई, नॉन डायगनल के साइन बदल दो, द्वारा बोलो क्या बोलते थे, याद रखना मैन, 2/2 का हम करके नहीं देखेंगे, इतना टाइम नहीं लगाएंगे, डायगनल एलिमेंट देखना यही है ना भैया, है ना, इनको बदल दो 1/2, 3/5, नॉन डायगनल के दोनों के साइन बदल दो, यही है ना भैया, साइन बदल के बोलो 1/5, 1/4, क्या इनवर्स आ गया,
अब मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, व्हाट इज माय इनवर्स, बोलोगे भैया 4 रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाओ, 4 बोलते जाओ, 1/2, 1/5, 1/4, 3/5 इनटू में फाइनल डिमांड। फाइनल डिमांड दोस्तों देखना यही था, कितना था भैया 18 and 44। अब बताओ ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं या मल्टीप्लाई, कोई याद दिलाओ मल्टीप्लाई किसकी किससे करते हैं। देखना भैया बोर्ड पे ही रहना, हाफ ऑफ 18 बोले तो 9, 1/4 ऑफ 44 बोले तो 11, 11 और 9 क्या आ गया, बाहर 4 एज इट इज था, बाहर अंदर 20, फिर इसकी इससे कर दें, कैलकुलेटर उठाओ करना पड़ेगा, 18/5 मेमोरी प्लस करो, फिर 44 इंटू 3/5 दोनों को जोड़ के बोल 30 आ गया, छोड़ बोर्ड पे आ जा, 30 आ गया भैया, ये आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करके बोलो कितना कितना आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर करके बोलो कितना आया, 80 इसका आया और 120 इसका आया। मेरे दोस्तों मेरा फाइनल डिमांड आ गया, मेरे को बताओ फर्स्ट इंडस्ट्री में कितना बनाना पड़ेगा, अगर ये 4 से 18 हो जाए तो फर्स्ट इंडस्ट्री का ग्रॉस आउटपुट कितना बनाना पड़ेगा, 80, सेकंड का कितना बनाना पड़ेगा, 120। क्या ये समझ में आया, फाइनल डिमांड की जगह डी की जगह मैं क्या लिख दूं, एक्स, ग्रॉस आउटपुट एक्स है ना भैया, फाइनल आउटपुट क्लियर है ना भैया, क्लियर है ना भैया, इनपुट नहीं आउटपुट, ग्रॉस आउटपुट निकला है ना, ये ग्रॉस आउटपुट को मैं एक्स माना था ना, ठीक है ना, फाइनल डिमांड नहीं ग्रॉस आउटपुट ही लिख देता हूं। क्या है सबको आया, समझे सबको आ गया, कोई पूछो ना, 80 120 फर्स्ट सेकेंड सबको पूरा आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों इसको करो, इतना नोट करो।